हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ देश विदेश के लोगों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए रविवार 26 नवंबर से ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें भाग लेने के लिए आप 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस क्विज में विजेताओं को इनाम राशि के साथ साथ प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में igmquiz.in साइट ओपन करते हैं। यहां आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। इसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन बटन भी दिखाई देगा। हम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्विज रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो रहा है। आइए इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, पब्लिक और स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करें, इसके अलावा आप पब्लिक सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड में आपको प्लेस फिल करना है, अपना नाम फिल करना है, और सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है मोटिवेटर का मोबाइल नंबर। यहाँ पर जिसने आपको इस ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मोटिवेट किया, आप उसका नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो OTP चाहिए होगा वो WhatsApp पर चाहिए या फिर टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, उसको आप सिलेक्ट कर दोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको अब आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने OTP स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हम OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है, इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम अपना लॉगिन करके देखते हैं। हमारा जो यूजर नेम होगा, हमारा मोबाइल नंबर और हमारा पासवर्ड OTP होगा। जो हमारे पास वन टाइम OTP आया है वही हमारा पासवर्ड होगा। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पर OTP और हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको डेली के 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। स्क्रीन पर जो आपको सामने अपडेट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। क्विज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से आप IGM क्विज में भाग ले सकते हैं। प्राइजेज और विनर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रतीक्षा करें हमारी आने वाली नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।